आज मैं आपको सिंपल तरीके से मगर बहुत टेस्टी दाल फ्राई बनाना बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय मेरे साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ चना दाल लिया है हाफ कटोरी, मसूर दाल हाफ कटोरी, एक तिहाई उड़द दाल, एक तिहाई मूंग दाल खड़ा, एक तिहाई मूंग दाल, हाफ कटोरी राहर दाल, सभी दालों को एक बर्तन में रख के वाश कर लेंगे अच्छे से। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें सभी दालों को डाल देंगे और 2 ग्लास वाटर डाल के 5 से 6 सीटी लगाएंगे। कड़ी पत्ता 8 से 10 लिया है, 4 मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज 2 प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ी सी अदरक लहसुन बारीक कटी हुई मैंने यहाँ लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून तेल लिया है, अच्छे से गरम हो चुकी है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। एक तेजपत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च खड़ा, इसे 2 से 3 सेकेंड चटकने देंगे। एक छोटी चम्मच जीरा, इसे हम 15 सेकेंड के लिए चटकने देंगे। फिर कटी हुई अदरक, फिर कटी हुई लहसुन डालेंगे और 2 सेकेंड के लिए चटकने देंगे। फिर हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन होने वाली है, इसमें हम सबसे पहले हल्दी डालेंगे 1 छोटी चम्मच। फिर 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इससे टेस्ट अच्छी आती है। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। एक चम्मच धनिया डाला है, इसे हम चला के भून लेंगे। अब टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। मैंने नमक डाला है 1 छोटी चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। मेरी मसाला अच्छे से भून चुकी है, अब इसमें हम बॉयल किया हुआ दाल डालेंगे। दाल अभी बहुत गाढ़ी है, इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे, आप अपने पसंद से कम पतला कर सकते हैं। इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे, आप अपने पसंद के मुताबिक गाढ़ा या पतला कर सकते हैं दाल को। इसे अब हम इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे गार्निश के लिए और इसे अब हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। मेरी दाल पक के अब रेडी हो चुकी है। सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।